अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। चले बहरोज, इंशाल्लाह आज इक्विटी लॉ के चैप्टर को खत्म करेंगे। पहले डिस्कशन को सम अप कर लेते हैं। हमने जो डिस्कशन प्रीवियस दो क्लासेस में की है उसको सम अप कर लेते हैं, इसके बाद फिर जो आज का नया सब टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, मॉडर्न यूज ऑफ इक्विटी लॉ, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। इक्विटी लॉ डेवलप कैसे हुआ, आप कराओ आज रिव्यू मुझे सर। सर ये स्टार्ट सर कॉमन लॉ स्टार्ट हुआ था सर एक किंग था, किंग विलियम। ठीक है। ही एस्टैब्लिशेस कोर्ट नेम क्यूरिया रेजिस। ठीक है। इन विच ही अपॉइंटेड जजेस टू डील विद केसेस। ठीक है। फिर फर्दर इस सिस्टम को किंग हेनरी ने नॉर्मलाइज किया। ठीक है। उसने क्या किया, क्या चेंजेस लेकर आया वो? Sir, he divided the country into circuits and appointed judges for every circuit. ठीक है। इससे common law develop कैसे हुआ, formalize कैसे हुआ? कि different circuits में जो different judges बैठे होते थे, क्या करते थे, लंदन आकर अपने अपने cases को discuss करते थे। Right. तो जो discussion होती थी उससे क्या होता था, different circuit judges जो है वो ideas exchange करते थे और फिर अपने अपने सर्किट्स में जाके अकॉर्डिंगली केसेस को डिसाइड करते थे, डिसीजन करते थे। ठीक है। कॉमन लॉ आज की डेट में जुडिशियल डिसीजंस को भी कहा जाता है, यानी कि प्रीसिडेंट्स को भी कहा जाता है। ठीक है। यस। कुछ हमारे पास लॉस कॉमन लॉ में डेवलप होते हैं और कुछ लॉस पार्लियामेंट बनाते हैं। सही है? जो कॉमन लॉ में लॉ डेवलप होता है उसको हम प्रीसिडेंट्स कहते हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर मर्डर जो है वो कॉमन लॉ क्राइम, मर्डर की सजा पार्लियामेंट्री एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है। मर्डर की जो सजा है वो जजेस खुद डिसाइड करते हैं, ये जजेस का डिस्क्रिप्शन है, जजेस की अथॉरिटी है कि वो कितनी सजा, जबकि थेफ्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ है जिसके अंदर हर चीज पहले से डिफाइंड है। थेफ्ट एक्ट 1968 फॉलो होता है यूके के अंदर, पार्लियामेंट ने पहले से प्रोविजंस बनाए हुए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉमन लॉ के साथ, अच्छा हम बात करें किंगडम सिस्टम की, तो कॉमन लॉ के साथ एक और सिस्टम पैरेलल चलता था जिसको कहते थे इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ में क्या चेंजेस थी, कॉमन लॉ से कैसे डिफरेंट था और इसने लॉ को कैसे डेवलप किया और फेयरनेस को कैसे इंश्योर किया, बताओ सर। इक्विटी लॉ में वो इस चीज को कंसीडर करते थे कि जो इंटेंशन क्या है। एग्जैक्टली फेयरनेस और जस्टिस पे उनका सिस्टम बेस्ड था। एग्जैक्टली दे वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंटेंशंस ऑफ पार्टीज रादर देन जस्ट फॉलोइंग मेल रूल्स। ठीक है। right. ज्यादातर इंटेंशंस को फॉलो करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस से बाउंड नहीं थे, पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से बाउंड नहीं थे। तो ये सिस्टम ज्यादा फॉर्मलाइज था, ज्यादा डेवलप्ड था, तो इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती थी। एक और क्या सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज था इक्विटी लॉ के अंदर, एक तो बात कर ली आपने फेयरनेस की, इंटेंशंस वगैरह की, एक और सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टीपल रेमेडीज ऑफर की जाती। यस। कॉमन लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी थी, कौन सी सर? जो पहले कोई जज, यस, मॉनेटरी कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट, ये कॉमन लॉ रेमेडी। ठीक है। इक्विटी लॉ जब आया तो इक्विटी लॉ ने मल्टीपल रेमेडीज इंट्रोड्यूस की, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रिसेशन, rectification, search order, freezing order, ये सब इक्विटी लॉ ने डेवलप की थी जो आज भी मॉडर्न डे कोर्ट्स यूज करती।
चलें, फिर हमने बात की थी मैक्सिम्स की। मैक्सिम्स क्या होते हैं भैरव? सर इक्विटी लॉ हम इनको रूट्स ऑफ इक्विटी लॉ कह सकते हैं, हम फाउंडेशन सर कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं जिनके ऊपर इक्विटी कोर्ट्स ऑपरेट करती थी। ये सर्टेन रूल्स थे जिनको मैंडेटरी समझा जाता था, जिनको फॉलो किया जाता था, राइट? सबसे पहला पहला मैक्सिम क्या था, सबसे पहला रूल क्या था? He who comes to equity looks into intentions rather than rules. क्या मतलब हुआ इस बात का? सर, इक्विटी कोर्ट के जो जजेस हैं वो रूल्स से बाउंड नहीं है, नहीं वो पार्टीज की इंटेंशन को कंसिडर करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीशन देंगे। बैरी वर्सेस बैरी के केस फैक्ट्स बताओ आप। सर बैरी वर्सेस बैरी के केस में ये था कि जो डीड थी उस वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था टू पार्टीज के बीच में, तो कॉमन लॉ अंडर कॉमन लॉ रूल्स उस डीड को अल्टर करने के लिए एक और डीड बनाना जरूरी था। सही है। लेकिन इक्विटी लॉ में आप उसको डायरेक्टली अल्टर कर सकते हैं बाय सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बाय सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, एक रूल था कॉमन लॉ रूल था कि डीड कैन ओनली बी ऑल्टर्ड बाय अनदर डीड। इक्विटी ने क्या प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया कि अगर पार्टीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो पार्टीज एक डीड को सिंपली ऑल्टर कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब इंटेंशंस प्योर है, राइट? सेकंड मैक्सिम, he who comes to equity must come with clean hands. इसका मतलब क्या है? सर इट योर हैंड्स मस्ट बी क्लीन, मतलब आपकी कोई मतलब आप आगे ना किसी के साथ अनफेयर नहीं किया हो जब आप इक्विटी लॉ में आएंगे। जब आप इक्विटी कोर्ट्स के पास जा रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन फेवरेबल आउटकम, ठीक है, तो फिर आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपने खुद किसी के साथ अनफेयरनेस ना की हो, किसी को प्रेशराइज ना किया हो। डीएनसी बिल्डर्स वर्सेस रीस के केस हुआ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। yes, क्या हुआ था इस केस के अंदर? 782 पाउंड्स का बिल था, सही है, 250 पाउंड्स ऑलरेडी पे किए जा चुके थे। लेटर ऑन जब काम कंप्लीट हुआ तो क्लेमेंट को जो है वो थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना था और डिफेंडेंट को ये बात पता थी कि क्लेमेंट जो है वो वीक फाइनेंशियल पोजीशन में है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं 482 के बैलेंस के बजाय आपको 300 पे करूंगा। सही है, क्लेमेंट ने उस वक्त तो अग्री कर लिया क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी, उसने 300 पाउंड एक्सेप्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ 482। लेटर ऑन क्लेमेंट ने जो है वो रिमेनिंग 182 पाउंड के लिए क्लेम किया ऑन दी ग्राउंड्स के भाई एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का रूल है जो कि पीनल केस में एस्टैब्लिश हुआ कि स्मॉलर अमाउंट कैन नॉट सेट ऑफ बिगर डेब्ट, छोटे अमाउंट से बड़े डेब्ट को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। क्लेमेंट ने इस बेसिस के ऊपर क्लेम फाइल किया, डिफेंडेंट ने काउंटर आर्ग्यू किया, यानी कि उसने अपोज किया और कहा कि इक्विटी लॉ का एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि राइट वंस वेव्ड ऑफ कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक, प्रॉमिसी स्टॉपल उस कॉन्सेप्ट का नाम है। उसने उस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, इसका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा आप इक्विटेबल कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस आपके हैंड्स क्लीन हो। यहाँ पर उसने क्या किया, बेसिकली वीक फाइनेंशियल पोजिशन का फायदा उठाया, तो वो इक्विटी के कॉन्सेप्ट से फायदा नहीं उठा सकता। इक्विटी के कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं जिसके अपने हैंड्स क्लीन। फिर था डिले डिफ्यूज इक्विटी। डिले डिफ्यूज इक्विटी का मतलब क्या था, अगर आप क्लेम फाइल करना चाहते हैं आप इमीडिएट बेसिस पे करें, 5-6 ईयर्स के बाद करेंगे तो आपका क्लेम मोस्ट प्रॉबली रिजेक्ट हो जाएगा एज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज। फिर लास्ट मैक्सिम था इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडी। दैट मींस के इक्विटी की जो कोर्ट्स हैं, इक्विटेबल जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी भी इस वजह से आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगा कि उनके पास उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड रेमेडी मौजूद ना।
यस उनके पास हर सर, वो किसी कोई एग्जाम न्यू की डिसीजन कॉन्सेप्ट भी है, दे सकते हैं। कोई नया डिसीजन दे देंगे, कोई नया प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर देंगे, क्योंकि रूल्स से तो बाउंड है नहीं ना, इंटेंशंस को कंसिडर करना। फिर हमने रेमेडीज की बात की थी बैरोज, रेमेडीज में हमने सबसे पहले बात की थी इंजंक्शन ऑर्डर की। इंजंक्शन का मतलब मुझे बताओ। सर इंजेक्शन मींस कोर्ट्स ऑर्डर टू डू सही समथिंग है, और टू सही नॉट डू समथिंग। ठीक है। इंजंक्शन का मतलब कुछ करने का कहना या किसी काम को करने से मना करना, रोकना। अगर कोई काम करने का कह रहे हैं तो उसको हम कौन सा इंजंक्शन ऑर्डर कहेंगे, मैंडेटरी मैंडेटरी या इंजन, प्रोहिबिटरी? मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी। जब करने का कहा जा रहा होगा, जब रोका जा रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा होगा, तो हम कहेंगे कि दिस इज प्रोहिबिट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। कैनवे वर्सेस थॉमसन के केस में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ऑन नंबर ऑफ टाइम्स अ पावर बोट रेस कैन बी डन ऑन अ लेक। सही है, यस रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो ये प्रोहिबिटरी भी कह सकते हैं, प्रोहिबिटरी। अगर करने का कह रहे हैं तो हम मैंडेटरी कहेंगे, ठीक है। वार्नर यस ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन के केस के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ ग्रांटेड इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एक्ट्रेस बैटी डेविस की, जो डायरेक्टर वाला मैंने आपको कल केस समझाया था, यस एक्ट्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आप किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकती, नहीं करेगी, ठीक है, ये और फर्दर प्रोहिबिटरी मोर है। उसको प्रोहिबिट कर। चले, कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो ग्रांट इंजंक्शन अलॉन्ग विद डैमेजेस। ये बात भी हमने कल डिस्कस की थी कि ऐसा नहीं है कि इंजंक्शन ऑर्डर अगर हो गया तो डैमेजेस साथ में अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ इंजंक्शन ऑर्डर करे, किसी को रिस्ट्रिक्ट करे और जितना लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने का दे, ठीक है। तो इंजंक्शन एज अ रेमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हर मैटर डैमेजेस के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता, कभी हमें किसी गलत एक्टिविटी को रोकना होता है, कभी हमें रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी होती है, इसके लिए जरूरी है कि इंजंक्शन एज अ रेमेडी एग्जिस्ट करे। तो ये रेमेडी इंट्रोड्यूस किसने की, इक्विटी कोर्ट्स ने, और मॉडर्न डे कोर्ट्स भी इसको कोर्ट्स आज यूज करती हैं एज अ रेमेडी। चले, अच्छा ये बताओ इंटरलिकेटरी इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है? सर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट फॉर अ कर दिया पीरियड जाए, ऑफ जैसे टाइम, ठीक किसी है, चीज को टेम्प्ररी सील कर दिया जाए किसी टेम्प्ररी जगह। इंजंक्शन ऑर्डर कह सकते हैं उसको। राइट सर, चलो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर इसमें ये होता है कि जो पार्टीज होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने में वो एग्रीड होती हैं एक दूसरे के नहीं साथ। नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब वो रिसेशन है जो आप बता रहे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब पार्टीज को जो है इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट अपनी परफॉर्मेंसेस सर्व करें, अपनी परफॉर्मेंसेस आप दें, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है बिटवीन अ टीचर एंड अ कॉलेज, तो टीचर बाउंड है 1 साल के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की। अगर वो बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो केस फाइल हो सकता है। याद आया, स्पेसिफिक यस सर, परफॉर्मेंस यानी कि यू आर डिमांडिंग परफॉर्मेंस रादर देन डैमेजेस। आप कह रहे हो कि मुझे इस बंदे की परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब पैसों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। तो परफॉर्मेंस वर्ड से याद रखो कि यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही होगी, पर्सनल सर्विसेज की बात हो रही होगी, राइट। राइट सर, रिसेशन, रिसेशन वो है जो आपने पहले बता दिया कि पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है या किसी कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहती है, जान छुड़वाना चाहती है, तो वो कोर्ट जाकर रिसेशन डिमांड करें कि भाई हमें राइट इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है। रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? सर, रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना सर, किसी एरर, यस सर, बाय सीइंग द गलती। इंटेंशन ऑफ पार्टीज। एग्जैक्टली, जब भी कभी आपसे कोई गलती हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आप
म्यूचुअली डिसाइड करके कोर्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो. फ्रीजिंग ऑर्डर्स, सर फ्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो कोई भी एसेट है या उस चीज को बिल्कुल वो कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, फ्रीज कर देना. एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, पासपोर्ट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके. जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आपके तमाम एसेट्स, पासपोर्ट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज रहेंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ताकि एक फेयर आउटकम निकल सके कि भाई एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर हो कि मैं पैसे आपके पास आए कहां से. सर्च ऑर्डर, तो सर्च ऑर्डर इज लाइक वी कैन से वारंट, सर्च वारंट टू क्लेम. ठीक है, हम रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ जाकर जिसके भी अगेंस्ट केस फाइल हुआ, जो भी डिफेंडेंट है, उसकी प्रीमिसेस को सर्च कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंसेस. यस सर. अच्छा चलो, आज हमें डिस्कस करना है मॉडर्न यूज ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटेबल जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटेबल जो रेमेडीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, कि भाई वो इंटेंशंस को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते. और जैसे है कि भाई डिले डिफीट्स इक्विटी, आपको क्लेम फाइल करना आप इमीडिएट बेसिस पे करें, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, ये कॉन्सेप्ट है ना, इक्विटेबल कॉन्सेप्ट है, मैक्सिम है, इक्विटेबल मैक्सिम है. तो इसकी मॉडर्न डे एप्लीकेशन क्या है, आज की डेट में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मॉडर्न डे कोर्ट्स उन कॉन्सेप्ट्स को आज भी यूज कर रही है, क्या इक्विटेबल रेमेडीज आज भी यूज की जा रही है. बिल्कुल की जा रही है. अब हम अपनी बात को रेलेवेंट केसेस के थ्रू सपोर्ट करते जाएंगे, रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू सपोर्ट करते जाएंगे. देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स की, और इक्विटी विल लुक इनटू इंटेंशंस रादर देन रूल्स. इंटेंशंस की बात पहले करते हैं. सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी वर्सेस हाई ट्रीज हाउस का केस हुआ, राइट सर. Landlord leased a complete building. Landlord leased a complete building on 99 acres leased to a company which then let flats of that building to individual tenants. During World War II, people moved out of London, so it was difficult of the company to let out those flats. Landlord agreed with the company during the war period he will take half rent of the normal rent. Once the war ended, landlord claimed the normal rent of the property. Court of law ordered that normal rent will be payable from the period war has ended. Court of law also considered a position that if the landlord has claimed the full rent for the war period also, then whether it is would be enforceable or not. Considering a written 99 years lease agreement, landlord holds the right to claim full rent as agreement of half rent was not if form a written contract. However, court of law held that if landlord would have claimed full rent of war period, then he would have been stopped from doing so because he agreed for half rent. This shows a principle that court would not rely on written terms strictly if it would make unfair for parties considering their agreement in other forms. क्या समझे सर? इसमें सर एक लैंडलॉर्ड था, उसने एक बिल्डिंग की 99 इयर्स की लीज बनाई हुई है. यस सर. तो वर्ल्ड वॉर कंपनी के नाम पे, जो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसको फर्दर रेंट आउट कर रही है उन फ्लैट्स. yes, को कंपनी फर्दर रेंट आउट कर रही है. हाँ. अब वर्ल्ड वॉर टू के बीच में सर दो लोगों ने उसको एज रेंट पे लिया फ्लैट. सही है. नहीं, दो लोगों ने रेंट पे नहीं लिया. वर्ल्ड वॉर टू के वक्त लोगों ने लंदन से
बाहर जाना शुरू कर दिया तो कंपनी के लिए डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि अब लोग जो है वो एज अ टेनेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ठीक यस सर, तो है, उन्होंने हाफ आगे रेंट, बताओ। ठीक है, हाफ रेंट वेव ऑफ कर दिया, रेंट रिड्यूस कर यस, दिया। लेकिन जब उन ये लैंडलॉर्ड ने ये क्लेम किया जब वॉर खत्म हो जाएगी तो वो नॉर्मल रेंट पे करेंगे। ठीक है, लैंडलॉर्ड ने पहले से अग्री नहीं किया हुआ था कि वो रेंट कम कर देगा। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, जैसे ही वॉर खत्म हुई उसने कहा कि भाई मैं अब नॉर्मल रेंट जो है आपसे लूंगा। लूंगा। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ कोर्ट लॉ ऑफ का क्या लॉ ने भी डिसीजन आया, कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि भाई नॉर्मल रेंट विल बी पेबल, क्योंकि जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो राइट वेव ऑफ किया गया था। सही है, लैंडलॉर्ड का राइट है कि वो कंप्लीट रेंट ले, लेकिन उसने पार्टीज का ख्याल करते हुए क्या किया, वर्ल्ड वॉर टू की सिचुएशन में रेंट को रिड्यूस कर दिया। तो कोर्ट ऑफ लॉ यस ने सर, कहा कि बिल्कुल उसका राइट है, वो पूरा रेंट ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें हमारी कंट्री में भी मिलती है। तो जब कोविड नया नया शुरू हुआ था इन 2020, तो इसी तरह लैंडलॉर्ड्स ने सर्टेन रेंट कम कर दिया था। जो अच्छे लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने टेनेंट्स को फैसिलिटेट किया था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था, तो जाहिर है उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से अपने टेनेंट्स को फैसिलिटेट किया था, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनका पूरा रेंट लेने का राइट खत्म हो गया। उन्होंने एक यस सर, अपनी गुडविल दिखाई है, एक अच्छी यस सर, इंटेंशंस दिखाई है, तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जब तक वो चाहे रिड्यूस रेंट ले, लेकिन एक्चुअली वही रेंट एप्लीकेबल होगा जो कि अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। राइट सर, राइट, अच्छा चलो इस केस के ऊपर वापस आते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो कंसीडर अ पोजीशन दैट इफ लैंडलॉर्ड हैज क्लेम फुल रेंट फॉर दैट वॉर पीरियड ऑल्सो, देन वेदर इट वुड बी इनफोर्सिबल और नॉट। देखें, कोर्ट ऑफ लॉ ने इस फैक्टर को भी हाईलाइट किया कि अगर वर्ल्ड वॉर टू की सिचुएशन में लैंडलॉर्ड कंप्लीट रेंट लेता तो भी वो बिल्कुल इनफोर्सिबल था, बिल्कुल ले सकता था। अग्रीमेंट के अंदर तो 99 ईयर्स का जो लीज अग्रीमेंट है उसके अंदर तो लैंडलॉर्ड का राइट है कि वो कंप्लीट रेंट ले। सही है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने सही कहा कि लैंडलॉर्ड ने अगर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कम रेंट लिया है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपना राइट वेव ऑफ कर दिया है टू रिसीव फुल रेंट, तो ये उसकी गुडविल है। लेकिन फर्दर हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप रिड्यूस रेंट ही लो। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उसके पास राइट ऑटोमेटिकली है कि वो कंप्लीट रेंट रिसीव करे। ठीक है, तो यहां पर देखें रिटन अग्रीमेंट क्या था, जो सेंट्रल आइडिया इस केस का, रिटन अग्रीमेंट ये था कि कंप्लीट रेंट विल बी पेबल। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ सर, ने पार्टीज की इंटेंशन को कंसिडर किया कि यार पार्टीज अच्छी इंटेंशन के साथ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अगर रेंट वेव ऑफ कर रही हैं तो हम उनकी इंटेंशन को कंसिडर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे रिटन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, रूल क्या है। रूल तो यही है ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होना चाहिए, अग्रीमेंट फॉलो होना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ ने यहां पर रिटन अग्रीमेंट को फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड जब उसने रेंट को रिड्यूस किया था, रिटन अग्रीमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ ने इग्नोर किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है दरोज, कि कोर्ट्स, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो भी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंटेंशंस को कंसिडर करती हैं, रूल्स को साइड पे कर देती राइट सर, है। क्लियर है? तो मॉडर्न डे में इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मिल रही है सर। अच्छा मुझे बताओ कि ये इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स आज की डेट में यूज हो रहे हैं, ये किस बात को पोर्ट्रे करते हैं, किस बात को, किस फैक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं? सर ये मतलब के फेयरनेस और जस्टिस अभी भी एग्जैक्टली, देखो फेयरनेस एग्जिस्ट करता और है। जस्टिस जो है वो आ रही है सिस्टम के अंदर, और इससे राइट भी सर, बड़ा एक इंप्रेशन कि इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिव थे और हैं। अगर ये इफेक्टिव यस नहीं सर, होते, अगर ये, इसको हम ओल्ड स्टाइल लॉ का नाम दे देते, या हम इनको कहते कि यार ये तो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी मॉडर्न डे एप्लीकेशन नहीं हो सकती, तो हम बाउंड नहीं थे इसको फॉलो करने के। लेकिन
इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इस बात से देखी जा सकती है कि मॉडर्न डे कोर्ट्स इन कॉन्सेप्ट्स को आज भी यूज कर रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए फेयरनेस और जस्टिस ऑब्जर्व की जा सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं सेंट्रल लंदन वाले केस के अंदर। ठीक है, राइट सर, चले फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, इस कॉन्सेप्ट की फर्दर एप्लीकेशन। मॉर्गेज एंड ट्रस्ट। अच्छा, मॉर्गेज एंड ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं समझा दूं। मॉर्गेजेस पता है आपको क्या होता है? जब बैंक से कोई भी यस प्रॉपर्टी लेते हैं आप, सही है, ऑन सर, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लीज। कि भाई मॉर्गेज किया हुआ है। हाँ ठीक है। और ट्रस्ट, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पर लेट्स से आपके फादर ने आपकी बहन के नाम पर एक प्रॉपर्टी की, लेकिन आपको उसका ट्रस्टी बना दिया, यानी कि कहा कि क्योंकि आपकी सिस्टर की एज कम है तो इस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर आप करोगे, बट यू विल होल्ड दैट प्रॉपर्टी फॉर योर सिस्टर्स इंटरेस्ट ओनली। यानी कि अपेरेंटली तो आपको अथॉरिटी दी है, लेकिन इन रियलिटी प्रॉपर्टी किसकी है? सिस्टर सिस्टर की। ठीक है, तो यू विल होल्ड दैट प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट फॉर योर सिस्टर। ठीक है, तो राइट सर, ट्रस्ट का मतलब क्या है कि आप बेसिकली किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, राइट? राइट अच्छा, सर, अब मॉर्गेजेस एंड ट्रस्ट के अंदर आपको इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन मिलेंगी। चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्गेजेस की। मॉर्गेजेस के अंदर अगर लेट से आप बैंक से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर लेते हैं, कोई ऑफिस लेते हैं, सही, तो उस प्रॉपर्टी को जो है हम मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहेंगे, और जिसने वो प्रॉपर्टी निकलवाई भी है, जिसने बैंक से वो प्रॉपर्टी ली है ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, उसकी यस जिम्मेदारी सर, क्या है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इंश्योर करे कि प्रॉपर्टी मिसयूज नहीं हो रही, ऑल्दो ऑल्दो वो प्रॉपर्टी बैंक की है, अभी तक फुली उसकी नहीं हुई है, नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन स्टिल उसने बैंक के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट सर, उसने बैंक के नाम को भी प्रोटेक्ट करना है कि भाई कहीं कोई ऐसा काम ना हो रहा हो ऑफिस पे, स्मगलिंग ना हो रही हो, ड्रग डीलिंग ना हो रही हो, सही है, ऑफिस के थ्रू, ताकि बैंक के नाम को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट? राइट सर, अच्छा, तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि आप, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, रूल के हिसाब से अगर लेट से अगर वहां पर ड्रग डीलिंग हो रही है उस प्रॉपर्टी के अंदर, और आपने तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे ली भी है, आप तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, अगर बीच में उस प्रॉपर्टी के ऊपर छापा पड़ जाता है तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्यों? प्रॉपर्टी है किसकी? बैंक बैंक की, सही है। इसी तरह आप ये समझ लो, बैंक को जरा साइड पे करो, लैंडलॉर्ड टेनेंट वाली पोजीशन देख लेते हैं। आपने प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे दी हुई है, मैं वहां पर इलीगल राइट एक्टिविटीज करता हूँ, नेबर्स आपको इन्फॉर्म करते, सही है, सर, तो आप जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, नेबर्स जाकर एफआईआर कटवाएंगे, कंप्लेन करेंगे, पुलिस आकर आपसे क्वेश्चन करेगी, अगर मैं भाग गया हूं, अगर मैं राइट प्रॉपर्टी में सर, मौजूद हूं तो सही है, लेकिन अगर मैं भाग गया हूं तो पुलिस आकर सबसे पहले आपके ऊपर हाथ डालेगी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, क्या हो रहा था प्रॉपर्टी में, तो रूल तो लैंड यही ओनर है ना विल कि बी रियल ओनर को रिस्पॉन्सिबल, पकड़ो। हाँ, रूल तो यस यही है ना कि रियल ओनर को पकड़ो, लेकिन स्टिल सर्टेन सिचुएशंस के अंदर रूल्स को साइड पे किया जाता है, इंटेंशंस को देखा जाता है। राइट तो सर, देखें यहां पर भी मॉर्गेज एंड ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम लोग रूल्स को साइड पे करते हैं, और फिर भी हम जो है क्या कोशिश करते हैं कि जिसकी ओरिजिनली प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जिसको ओरिजिनली बिलोंग करती है, उसके राइट्स को हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें, बैंक की रेपुटेशन का ख्याल करें, लैंडलॉर्ड की रेपुटेशन का ख्याल करें, ऑल्दो हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, अगर हम भाग जाते हैं तो लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल, मीन स्टिल हम इंटेंशन को कंसिडर करें। ठीक राइट है, अच्छा, अब ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। अगर किसी के नाम पर ट्रस्ट है, पेंशन का ट्रस्ट है, या फंड्स का ट्रस्ट है, या फैमिली मेंबर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने जो है वो प्रॉपर्टी अपने सिस्टर के इंटरेस्ट में होल्ड की हुई, देन
क्या होगा कि जो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है उसने क्या करना है, बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि आपकी सिस्टर, जिसको उस प्रॉपर्टी से फायदा पहुंचेगा। ऑल्दो अथॉरिटी आपके हाथ में, ऑल्दो पावर आपके हाथ में, आप चाहें तो उस पूरी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, है ना, अथॉरिटी तो आपके पास है, यस लेकिन स्टिल आपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। यू विल होल्ड दैट प्रॉपर्टी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। सही है, आपने बेनिफिशियरी के हर राइट को प्रोटेक्ट करना है, आपने उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है बात? यस चलें अब आ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेसर्टेड वाइफ रूल्स, यानी कि डाइवोर्स्ड वाइफ के क्या राइट्स हैं। इक्विटेबल कॉन्सेप्ट जो है वो डेसर्टेड वाइफ के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं, कि एज पर इक्विटी, ये कोई रूल नहीं है, इक्विटेबल प्रिंसिपल है। फेयरनेस का तकाजा ये है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है और अपनी वाइफ सर और बच्चों से अलग हो जाता है, तो वाइफ और बच्चों का हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर एक सर्टेन शेयर होगा, भले वो बात कहीं रूल में लिखी भी नहीं है, भले उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, भले ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये बात एज्यूम जाती है, ये प्री एज्यूम फैक्टर है कि वाइफ का और बच्चों का सर्टेन राइट होगा इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सही शेयर है, ये इक्विटेबल कॉन्सेप्ट है, जिसको फर्दर पार्लियामेंट्री मैट्रिमोनियल होम्स एक्ट ने मेंशन भी कर दिया। पहले ये रूल मेंशन नहीं था, रूल को यस फॉलो सर नहीं करते थे हम, ये देखते थे कि किसका राइट है, फेयरनेस का तकाजा क्या है, राइट जस्टिस कैसे सर्व होगी। सही है, पहले सही ये सर कहीं लिखा हुआ नहीं था, रूल नहीं था, फिर भी फॉलो होता था क्योंकि इक्विटेबल कॉन्सेप्ट था, लेकिन लेटर ऑन पार्लियामेंट्री लॉ ऑफ मैट्रिमोनियल होम्स एक्ट में इसको मेंशन भी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जूरी। जूरी का मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर भी, कि जूरी जो है वो एक पैनल होता है इंडिपेंडेंट ले पर्सन्स का, जिसमें वो डिसाइड करते हैं, वो पैनल डिसाइड करता है वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ठीक है, आम राइट बंदे सर होते हैं, ले पर्सन होते हैं, कोई लीगल क्वालिफिकेशन नहीं होती। सही है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस की बेसिस के ऊपर डिसीजन दे। तो देखें, इंटेंशंस को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इक्विटी से। ठीक इक्विटी है, कि कोई रूल्स से वो बाउंड नहीं है, किसी भी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं करते, सिर्फ इंटेंशंस की बेसिस के ऊपर गिल्टी और नॉट गिल्टी का डिसीजन दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो जूरी का इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी इक्विटेबल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट चल, इक्विटेबल रेमेडीज की मॉडर्न डे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इक्विटेबल रेमेडीज की मॉडर्न डे एप्लीकेशन क्या है, देखिए वेरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें इक्विटेबल रेमेडीज फॉलो होती हुई नजर आती हैं। जैसे वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन के केस आपने ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें एक्ट्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, इंजंक्शन ऑर्डर। तो ये इंजंक्शन ऑर्डर वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन के केस के अंदर दिया गया, ये इंजंक्शन ऑर्डर इंट्रोड्यूस किसने किया था, इक्विटी। इंजेक्शन ऑर्डर इंजंक्शन ऑर्डर में ऑर्डर टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन याद आया, मैंडेटरी इंजंक्शन, इंटरलोकेटरी इंजंक्शन। सही, तो वो तमाम कॉन्सेप्ट्स इक्विटी के थे जो मॉडर्न डे कोर्ट्स यूज करते हैं। वार्नर ब्रदर्स में यूज हुआ, कैनबे वर्सेस थॉम्पसन में यूज हुआ। सही है, तो मॉडर्न डे एप्लीकेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों मॉडर्न डे कोर्ट्स इन इक्विटेबल कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है, क्या वजह है, इफेक्टिव है, यूजफुल इफेक्टिव है, फेयरनेस जो है वो इंश्योर करते हैं, जस्टिस सर्व करते हैं, तभी आज मॉडर्न डे कोर्ट्स उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। यूज करते अच्छा, हैं ये एग्जामिनर पूछता है कि भाई इफेक्टिवनेस डिस्कस करें इक्विटी की, इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करें। अभी खैर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, तो डिटेल में हम राइट आज सर में वहां कर लेंगे। चलें, इंजंक्शन ऑर्डर्स जो है वो अक्सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सिनेरियो के अंदर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है,
जहां पर एम्प्लॉइज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा डिस्क्लोज ना करें, सही, और एम्प्लॉयर को जो है वो कहा जाता है कि भाई आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आपने जो कमिटमेंट किया आप वो पूरी करें। ट्रेड यूनियंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आप अनलॉफुल प्रोटेस्ट ना करें, अनलॉफुल बायकॉट्स ना करें, अनलॉफुली ब्लैकमेल ना करें एम्प्लॉयर को। तो ट्रेड यूनियंस होती है ना, मजदूर यूनियन, जिनका काम क्या होता है, अपनी डिमांड्स पूरी करवाना, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते अपने बॉस को, सही है। तो इंजंक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन हमें मॉडर्न डे सिनेरियो में मिलती है। फर्दर मोर डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस के अंदर भी इंजंक्शन ऑर्डर फ्रीक्वेंटली यूज होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कैसे होगा कि भाई रोका जाएगा कि भाई आप वायलेंस नहीं कर सकते, आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आप अब्यूज नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते, राइट? राइट सर। अच्छा, जहां पर न्यूसेंस कॉज हो रही है, मिसाल के तौर पर आप रात के 4 बजे सिस्टम बजा रहे हैं अपने घर के अंदर जिससे पड़ोसी मुतासर हो रहे हैं, या आप रात के 4 बजे के बाहर जो है टेंट वेंट लगाकर स्पीकर्स लगाकर बैठे हैं और आपके नेबर्स इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पर इंजंक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन मिलेगी। नॉइज पॉल्यूशन, वहां पर भी इंजंक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। कोर्ट ऑफ लॉ रिस्ट्रिक्ट करेगा, पुलिस रिस्ट्रिक्ट करेगी आपको कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीपल नई रेमेडीज जो इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि सर्च ऑर्डर है, उसकी एप्लीकेशन भी आपको क्रिमिनल केसेस में मिल जाएगी। सर्च ऑर्डर को एनकाउंटर ऑर्डर भी कहते हैं, जहां पर आप जो है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ जाकर सर्च करते हैं और रेलेवेंट एविडेंसेस को वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा, जरा इक्विटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बैरोज, मैंने आपको एडीआर का भी कहा था, आपने एडीआर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसे कॉन्सेप्ट जहन से निकल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ, ताकि जो है ना वो बातें याद रहें। राइट, मैं कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ, क्वेश्चंस डिस्कस कर। चल पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वन जी, इक्विटी इज अ हिस्टोरिकल सोर्स, इट हैज नो रोल इन द मॉडर्न लीगल सिस्टम, क्रिटिकली कंसीडर द एक्यूरेसी ऑफ दिस स्टेटमेंट। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है, सही है। तो अब आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करोगे, पहले इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करोगे, उससे भी पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करोगे कि ठीक है इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स बिलोंग टू ओल्ड टाइम्स, ठीक है, किंगडम सिस्टम, बट स्टिल दे आर एप्लीकेबल एंड दे आर इफेक्टिव टू एन एक्सटेंट दैट मॉडर्न डे कोर्ट्स आर यूजिंग दीज रेमेडीज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स फ्रीक्वेंटली। तो आप एक एक करके रेमेडीज बताओगे, उनके एप्लीकेशन डिस्कस करोगे, केस लॉज डिस्कस करोगे, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करोगे और एंड में कंक्लूजन दोगे कि भाई इस स्टेटमेंट से मैं जो है वो अग्री नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न डे कोर्ट्स के डिसीशन के अंदर हमें फ्रीक्वेंटली इक्विटेबल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन नजर आती। नेक्स्ट पे, अच्छा देखें, एक दफा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता, वो आप
से कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ही क्वेश्चन करेगा, बस शर्त ये है कि आपने कॉन्सेप्ट सारे जो हैं वो प्रॉपरली समझे हुए हों, सारी रेमेडीज आपको प्रॉपरली याद हों, अच्छे तरीके से आपको उनकी एप्लीकेशन समझ आ गई हो। जब आपको पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया तो एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ क्वेश्चंस घुमाएगा। अभी देखते हैं हम लोग, सर ये हमारे पास रिसेंट 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हैं, इक्विटी के हवाले से एग्जामिनर ने कितनी दफा क्या क्या क्वेश्चन किया। चलो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंस टुडे। बैरोस क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं सर, डेवलपमेंट यानी कि पूछ रहा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कैसे भी कॉमन लॉ के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, राइट बताएंगे सर, पहले कॉमन लॉ होता था, फिर इक्विटी आया, इक्विटी के अंदर क्या यूनिकनेस थी, ठीक है, फिर इसके बाद बताएंगे कि इक्विटी ने जो है वो मल्टीपल रेमेडीज इंट्रोड्यूस की, सही है, फिर उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर बात, फिर मॉडर्न डे यूज के ऊपर बात। मॉडर्न डे यूज कैसे जस्टिफाई करोगे, मॉडर्न डे यूज आप ऐसे जस्टिफाई करोगे कि आप एप्लीकेशंस बताओगे डिफरेंट केसेस के अंदर जो इक्विटेबल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उनको आप मेंशन करोगे और रेलेवेंस डिस्कस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन पढ़ो। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी यूजिंग केसेस एंड एग्जांपल्स, डिस्कस हाउ रेलेवेंट इट इज टुडे। क्या करेंगे इसमें? सर इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताएंगे पहले ठीक है, कॉमन और लॉ के साथ यूजिंग कंपैरिजन होगा, इक्विटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करोगे, मैक्सिम्स को डिफाइन करोगे, रेमेडीज को डिफाइन करोगे और फिर मॉडर्न डे राइट सर, यूज के ऊपर बात करोगे। सर इसमें केस का नेक्स्ट पे आओ। रेफरेंस होना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल है ना, क्योंकि रेलेवेंस पूछ रहा है ना, रेलेवेंस पूछ रहा है यस ना, सर, केसेस और एग्जांपल्स तो लाजमी देनी। राइट। इक्विटेबल नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडीज कॉन्सेप्ट्स मैक्सिम्स स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यूजिंग केसेस एंड एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ इक्विटी कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट इन द कोर्स टूडे। अच्छा अब देखो, आप ऑब्जर्व करो एग्जामिनर का पैटर्न, वो घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है, यस आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, एक ही बात पूछ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से याद होगा तो क्वेश्चन आपको फॉरन से समझ में आता है। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अब ये आ जाओ, इस पे आ जाओ, May-June 2017 क्वेश्चन पेपर 1-1 जो है। क्रिटिकली असेस क्रिटिकली हाउ एफएस, नेसेसरी इक्विटी इज इन टूडेज इंग्लिश लीगल सिस्टम। अगेन क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली मॉडर्न डे एप्लीकेशन। राइट सर, इसमें भी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के थोड़ा सा रेफरेंस देंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, मैक्सिम्स की बात मैक्सिम्स करेंगे और फिर मॉडर्न डे ऑलरेडी एप्लीकेशन की बात यूज, करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी हैज मेड लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंग्लिश लॉ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मुझे समझाओ। सर इस क्वेश्चन में सर हमें इक्विटी की एक्यूरेसी पर बात करनी है कि मतलब मॉडर्न डे लॉ को आज भी कंट्रीब्यूट करता है ये सिस्टम, तो इसकी एक्यूरे मतलब आप ये फेवर में जाओगे अगेंस्ट में जाओगे? तो मैं फेवर में जाऊंगा। फेवर में जाएंगे। क्यों? फेवर में हमारे पास आर्गुमेंट बहुत ज्यादा है, अगेंस्ट भी जा यस सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आर्गुमेंट्स खुद से बिल्डअप करने पड़ेंगे, यस सर, करने को कर सकते हैं लेकिन फेवर में जाना बेहतर है। क्यों? कंटेंट बहुत है, तो यस सर, जहां पर हमेशा आर्गुमेंट, जब ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर लॉ के अंदर, अक्सर ऐसा होता है एग्जामिनर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देता है, यानी कि आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी साइड पर बात कर लो। अब जब वो बात वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर क्लियरली कि भाई आप बताएं, इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आपको इवैल्यूएट करना है ना, आपके ऊपर छोड़ दिया उसने, तो उसमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि उस साइड पर जाना जहां आर्ग्यूमेंट आप ज्यादा कर सकते हैं, तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट करना होगा। चलें नेक्स्ट, इक्विटी इज बेस्ड ऑन फेयरनेस, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी एंड असेस
हाउ फार द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू? जी बताएं, फेवर सर इसमें फेयरनेस पर में बात जाएंगे? करनी ठीक है, फेवर में जाएंगे सर। है, जबरदस्त, आगे चलते हैं, चलें। इंजंक्शंस आर ये वाला, रेमेडीज। इक्विटी हैज ऑलवेज शोन, इक्विटी हैज ऑलवेज शोन इटसेल्फ टू बी कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू मीट चेंजिंग नीड्स। यूजिंग एग्जाम्पल्स असेस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट अबव। हाँ ये क्वेश्चन समझाओ। सर इक्विटी हैज शोन इटसेल्फ टू बी कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग। ये कह रहा है सर इक्विटी ये ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो रूल्स हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से हैं, वो मॉडर्न नीड्स को मीट करते हैं और वो इतने वेल डेवलप्ड हैं कि उनको किसी भी सिस्टम में फॉलो किया जा सकता है, किसी भी टाइम पर फॉलो किया जा सकता है। पुराने जरूर हैं लेकिन नीड्स को समझते हैं और कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में फेयरनेस को इंश्योर कर सके। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, यूजिंग राइट एग्जांपल असेस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, बताएं कि आपके हिसाब से स्टेटमेंट सही है या नहीं। आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। ठीक है, राइट सर। नेक्स्ट। इवेल्युएट द रोल ऑफ इक्विटी इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम टुडे। सर आसान अगेन है, नेक्स्ट। एक्सप्लेन हाउ इक्विटी डेवलप्ड एंड असेस इट्स यूज इन मॉडर्न टाइम्स। अगेन वही बात है, नेक्स्ट। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी टू द लीगल सिस्टम टूडे। क्यों भी वही है अगेन सर। वही बात, पेपर टू के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर ने। इंजंक्शंस आर रेमेडीज विच आर हैव देयर रूट्स इन इक्विटी। Describe the role of equity in the modern English legal system and critically analyze its effectiveness. अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? So first part में injunctions, सर ये बोल रहा है कि injunctions और remedies जो है equity की वो उस इक्विटी में उसकी रूट वो रूट्स हैं इक्विटी की। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि इंजंक्शन एक रेमेडी है जो कि एग्जिस्ट करती है और इसकी रूट्स इक्विटी में, दैट मींस कि उसको इक्विटी ने डेवलप किया। राइट इंजंक्शन सर। एज अ रेमेडी इक्विटी कोर्ट्स ने इंट्रोड्यूस की थी ना, तो यस सर। ये कह रहा है फिर फर्दर कि रोल ऑफ इक्विटी बताएं और मॉडर्न डे एप्लीकेशन बताएं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखकर अक्सर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हालांकि कंटेंट उनको पूरा पता है, राइट? तो इसमें वही आएगा, रोल ऑफ इक्विटी आएगा और इंजंक्शन को सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो एज अ रेमेडी डिस्कस करना होगा, जैसे आप बाकी रेमेडीज को करें। ठीक राइट है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मॉडर्न रोल ऑफ इक्विटी एंड असेस इट्स इफेक्टिवनेस। बात समझ आ गई आपको? यस सर। चल, तो अब देखिए मैंने आपको ये मल्टीपल दे दिए हैं क्वेश्चंस, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठाकर आप जो है वो अटेम्प्ट करें, एडीआर के भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें ताकि जो है ना करेक्ट ये सर। कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए। सही है, इसका ले लो आप स्नैपशॉट ले लो। राइट सर। ठीक है, इंशाल्लाह कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। चल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।